ये जो डर होता है, एक्चुअली इसका बहुत कनेक्शन है हमारी डिजायर्स, हमारे अटैचमेंट्स के साथ. तो जैसे कि जीवन जीने की इच्छा, राइट? तो हमें जीवन और मृत्यु का डर होता है, जीवन और मृत्यु का डर सताता है. ऐसे ही पैसे, धन दौलत, उसकी इच्छा, तो हमें धन को खोने का डर सताता है. ऐसे ही हमारा हमारे लिए अपना मान, अपनी पदवी, वो सब बहुत मायने रखती है. तो हमें क्या डर सताता है? अपमान का, उसको खोने का, जो मान सम्मान है उसको खोने का डर. और एक चौथी बात है, वो है अपने परिजनों को खोने का डर. जैसे माता पिता को अपने बच्चों के खोने का डर सताता है, या बच्चों को अपने माता पिता के खोने का डर सताता है, राइट? ऐसा होता है ना. तो ऐसे ही जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, महाभारत युद्ध, तो जस्ट उसके पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो इसी समय अर्जुन और दूसरी तरफ दुर्योधन, दोनों को कुछ भय सता रहा था. तो ये जो भय है, ये दोनों का भिन्न भिन्न था. तो चलो एक श्लोक सुनते हैं, जो है चैप्टर 1 से 1.3, और जानते हैं फिर शैलेंद्र भैया से कि क्या था अर्जुन के मन में भय और दुर्योधन के मन में भय. यस, सुनते हैं. श्वेतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्ये धीमता।